हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। ये मेरी रिकॉर्डेड आवाज है। मीडिया में बार 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 फैलाया जा रहा है केजरीवाल दिल्ली सरकार छोड़ के भाग गया। मैं पूछता हूँ कहाँ भाग गया? यही तो हूँ, भाग कर नहीं गए, अपने असूरों पे सरकार छोड़ी है। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के रेल मंत्री थे, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो क्या हम कहते हैं कि शास्त्री जी सरकार छोड़ के भाग गए थे? नहीं ना, शास्त्री जी ने तो सिद्धांतों पर इस्तीफा दिया था, उसी तरह से मैंने भी सिद्धांतों पर इस्तीफा दिया है। हमारी पार्टी देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनी है। हम दिल्ली विधानसभा में भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए जनलोकपाल बिल पास करना चाहते थे। बीजेपी और कांग्रेस वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने लोकपाल बिल पास नहीं करने दिया, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। और जनता से अपील की है मैंने कि भाई अब 28 सीटों से काम नहीं चलेगा, बहुमत की सरकार देनी पड़ेगी, आप हमको 40 सीटें देके भेजो और फिर देखो हमारा काम। अब दोबारा दिल्ली में चुनाव होंगे, हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, 50 से ज्यादा सीटें आएंगी और फिर हम सरकार चलाएंगे। आजकल कई लोग मिलते भी हैं, कहते हैं अरविंद जी आपकी सरकार तो बहुत अच्छी थी, और इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, बड़ा दुख हुआ। पर अगली बार अरविंद जी वोट आपको ही देंगे हम। मैं सोचता हूँ चलो इस देश में एक सरकार तो ऐसी है जिसके इस्तीफा देने से लोगों को दुख हुआ, ये दिखाता है कि लोग हमें कितना प्यार करते हैं। हम सबको मिलकर देश बदलना है दोस्तों। इस बार लोकसभा चुनाव में भी आप जिम्मेदारी लो कि कम से कम 100 लोगों को कहोगे कि झाड़ू पे मुंह लगाएं। जय हिंद।